हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? दोस्तों, हिंदी विषय का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताऊंगा। परीक्षा में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उदाहरण सहित आपको मैं यह विषय करा रहा हूँ, यह इस टॉपिक को करा रहा हूँ। दोस्तों, आप जो भी वीडियो देखें यूट्यूब पर, उसको बगैर स्किप किए हुए अंत तक देखें। हमारी वीडियो नहीं, सबकी वीडियोज अंत तक देखने की आदत बना ले, क्योंकि जो भी वीडियो आप अंत तक देखेंगे आपको फायदा पहुंचेगा। और दोस्तों, इस वीडियो के ठीक नीचे आप देख रहे हैं कि लाइक का ऑप्शन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। शेयर का ऑप्शन है, शेयर पर जब आप क्लिक करेंगे तो फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से हमारी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, सबसे अहम है, जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, रेड कलर के सब्सक्राइब पर ज़रूर क्लिक करें। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। दोस्तों, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते कि सायकाल गायों के चरकर लौटने का समय क्या कहलाता है। जो शाम के समय सायकाल गायों के चरकर जो लौटने का समय है होता है, वो क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने है, संध्या, गोधुल, गोधुली, गोकाल। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। इसका राइट आंसर है गोधुली। तो इसी तर्ज पर मैं आपको कराऊंगा उदाहरण, जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है उससे रिलेटेड। सबसे पहले हम जान लेते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, अर्थ कि वाक्यांश के लिए जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, अर्थ को जानना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, यानी अनेक शब्दों के एक स्थान पर, अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। यानी जिसका अर्थ तो बहुत बड़ा हो, लेकिन उस एक बड़े अर्थ को सिर्फ एक शब्द के माध्यम से या दो शब्द के माध्यम से हम लिख सकते हैं। जैसे जो स्वम पैदा हुआ हो, स्वम्भू। एक तो हम ये कहेंगे जो स्वम पैदा हुआ हो, एक उसकी जगह लिखेंगे स्वम्भू। ऐसे शब्दों का प्रयोग से वाक्य विन्यास में सुविधा होती है। उनके लिए अवेतनिक शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, यानी जो बिना वेतन के कार्य करता है, अवेतनिक शब्द भी इसमें प्रयुक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार जैसे कि बड़ा भाई, यानी बड़ा भाई का वाक्यांश के लिए एक शब्द में आता है अग्रज। इसी तरह दोस्तों, अनेक शब्दों का समूह के स्थान पर एक शब्द को लिखना ही वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। अब बारी आती है इसके उदाहरण की। दोस्तों, वाक्यांश के लिए एक शब्द की मैं उदाहरण आपको दिखा रहा हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों, आपको दो या तीन किताबों में से अच्छे से लर्न करके एग्जाम में पहुँचना है। इस वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, जो किसी विकार से ग्रस्त हो उसे विकृत कहते हैं। भले बुरे की पहचान करने का ज्ञान विवेक, जो सत्री सूर्य भी नहीं देख पाती, ऐस सूर्य पस्या। जो गहन निंद्रा में सो गया हो, सुसुप्त। अहंकार पूर्वक अपने अपने को सबसे बड़ा समझना, अहम नेता। कांटों या बाधाओं से भरा हुआ, कंटाकारण्य। जिसका एक ही अक्षर हो, एकाक्ष। जहाँ कोई दूसरा न हो, एकांत। जिस पर दूसरे का अधिकार न हो, एकाधिकार। जिसका कारण या न करना अपनी इच्छा पर निर्भर हो, ऐच्छिक। इस लोक से संबंध रखने वाला, अलौकिक। विधानिक प्रणाली से किया गया कार्य, उपचारिक। विवाहित क्षत्रिय से उत्पन्न पुत्र, औरस। जो कहा गया है, कथिक। जो फूल अभी खिला न हो, कली। कर्म करने वाला, कर्मठ। गांव में रहने वाला, ग्रामीण। जो छिपाने के योग्य हो, गोपनीय। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो, गोचर। परंपराओं या रूढ़ियों के अनुसार चलने वाला, रुचि या गतानुगति का। रात को संध्या के बीच की बेला, गोधूली। हाथी का बच्चा, कलब भी कहते हैं, गज शावक भी कहते हैं। दोस्तों, घृणा करने योग्य, घृणास्पद। जिसकी घोषणा की गई हो, घोषित। जो चर्चा का विषय हो, चर्चित। जो लेख अथवा कहानियों जो हास्य रस से पूर्ण हो, प्रहसन। वह भावना जिसमें प्रतिकार की गंध हो, लड़ाई लड़ने की उत्सुकता हो, प्रतिचिकित्सा। लड़ाई लड़ने की उत्सुकता, युयुत्सा। और दोस्तों, प्रति उत्तर जिसमें होता है, उसमें उत्तर पाने पर दिया हुआ उत्तर होता है प्रति उत्तर। जो दूसरे को वाणी से देने को कहा,
चुका हो उसे कहते हैं वाग्दत्त, मधुर बोलने वाला, मधुरभाषी, जो पुष्प जो अभी तक विकसित न हुआ हो, कली जिसका कुछ क्षणों से में भी नाश हो जाए, क्षण भंगुर हाल ही में उत्पन्न हुआ बालक नवजात कहलाता है दोस्तों, आपको पता है। और दोस्तों जंगल की आग दवा नल कहलाती है। और दोस्तों जाना कठिन हो, दुर्गम, बहुत दूर की बात सोचने वाला, दूरदर्शी, जिसका करना कठिन हो, दुष्कर, वह रोग जिसमें सूर्य की तेज किरणों के कारण दिन में बहुत कम दिखाई देता हो, दिनोधी, जो दोबारा जन्म लेता हो, द्विज, जिसको नमन करना बहुत कठिन हो, दुर्गम में सामान्य विचार विमर्श परामर्श, जिसके आर पार देखा जा सके पारदर्शी। इस तरह दोस्तों मैंने कुछ आपको उदाहरण बताए हैं। लेकिन दोस्तों एग्जाम से जाने से पहले आप करीब 500 के लगभग इसके उदाहरण जरूर लर्न करके जाएं, ताकि जब भी आप एग्जाम दो तो कॉन्फिडेंस अच्छा बना रहे, और जो आप लर्न ना करो उनमें से अगर क्वेश्चन न आए तब भी आप आसानी से ठीक से आंसर दे सकते हो। तो दोस्तों कैसी रही है वीडियो आपके लिए जो हमने बनाई थी, जरूर कॉमेंट कीजिएगा। और दोस्तों किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो ज़रूर हमारी वीडियो में कमेंट दीजिएगा, हम तुरंत रिप्लाई करेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।